श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे पोहे और सूजी का इतना स्वादिष्ट मज़ेदार एकदम हेल्दी नया नाश्ता जिसे देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। इतना आसान है इसे बनाना ना कि आप इसे बच्चों के टिफिन या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में इसे बना के तैयार कर सकते हैं। घर के सभी सदस्यों को बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे हम बहुत ही कम तेल मसालों में बना के तैयार करेंगे और ये नाश्ता बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे हम बिना सोडा बिना इनो के बनाने वाले हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एकदम सॉफ्ट सा नाश्ता और बहुत ही जल्दी बनने वाला। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी पोहा। तो छोटे कटोरी से हम एक कटोरी पोहा लिए हैं, मोटे वाला पोहा लिए हैं। इसे हम एक बोल में डाल के 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम से पतला वाला नहीं लेना है, एकदम थोड़ा मोटा रहे वही पोहा लेना है। और इसे 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे ताकि का जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो इस तरीके से 2 से 3 पानी से हम पोहे को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसके पानी को हम अलग कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी। तो सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली सूजी लिए हैं। कटोरी से माप के हम एक कटोरी लिए हैं, जितना हम पोहा लिए हैं उतना ही सूजी लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी गेहूँ का आटा। तो तीनों हम इक्वल लिए हैं, आटा सूजी और पोहा को। और साथ में हम 2 चम्मच इसमें दही डाल देंगे। तो ताजी फ्रेश हम दही घर का था इसे डाल लिए हैं। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो हम आधी गिलास से थोड़ा कम इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसका बैटर हमें एकदम से पतला नहीं रखना है, इसलिए ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा करके पानी को 2 बार में हम डाले हैं। और इस तरह से एकदम से गाढ़ा सा इस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पानी डालकर। और मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से थोड़ा फूल जाए। तो 5 मिनट के लिए इसे हमें ढकना है। और आप देख सकते हैं इसमें हम ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, नाप कर सिर्फ 1/2 ग्लास पानी डाले हैं। और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ढककर। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देख ले रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से सूजी और पोहा जो है हमारे फूल चुके हैं। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम सारे सूजी पोहे को एक साथ में डाल देंगे। और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। बोल में हम थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी डाल के और इसे हम पीसेंगे। आप देख सकते हैं सारे हम डाल दिए हैं बैटर को, और साथ में थोड़ा सा हम पानी को डाल लेंगे और इसको एकदम से स्मूथली सा इसका पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से ढक्कन लगा के पीस लिए हैं, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली सा बैटर जो है हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से सारे बैटर को अच्छे तरीके से निकाल देंगे। तो हम हाथ से अच्छे तरीके से निकाल देंगे क्योंकि हम गेहूं का आटा डाले हैं तो थोड़ा चिपका रहता है, पानी डाल के हमें नहीं निकालना है। हाथ से अच्छे से निकाल लिए हैं और देख सकते हैं आप इसका कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी गाढ़ी ही रखनी है, एकदम पतला बैटर बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, नहीं तो आपका नाश्ता फिर अच्छे तरीके से बनकर तैयार नहीं होगा। अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर ले रहे हैं। तो 1/2 चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल लेंगे और साथ ही में हम इसमें डाल ले रहे हैं 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। और फिर अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। तो हम 4 से 5 लहसुन की कलियां लिए थे, इसे हम कट कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्ची डाल लेंगे, साथ में हम 1/2 इंच अदरक को ग्रेट करके डाल लिए हैं। 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ गाजर डाल लेंगे, 1 चम्मच हम बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल लेंगे और फिर 1 मीडियम साइज का प्याज हम कटा हुआ डाल लेंगे इसमें। तो इसे भी हम रफली चर्व कर लिए थे और आप देख सकते हैं सारे वेजिटेबल्स को हम डाल लिए हैं और फिर इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो वेजिटेबल्स आप अपने मनपसंद रख सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम बनाएंगे नाश्ते को। तो लीजिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर लिए मसालों के साथ में। और इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा ही रखना है, बिल्कुल ध्यान रहे पतला बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको नाश्ते बनाने वक्त दिक्कत आ सकती है। इस तरह से अब एक एक कलछी को हम उठाएंगे और बैटर को और पैन में डाल लेंगे। तो एक पैन में हम इसे बना रहे हैं। तो 1 चम्मच ऑयल लेंगे, अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे पैन को। और जब ये गर्म हो जाए तो हम आंच का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और फिर एक कलछी बैटर को उठाएंगे और इसे हल्के हाथ से हल्का ही सा ही फैलाना रहता है, ध्यान रहे ज़्यादा पतला इसे नहीं करना रहता है। और इस तरह से हम हल्का सा फैला के इसे ढक के 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे।
और फिर 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देख ले रहे हैं, ऊपर से एकदम ये सूखा सा हो गया है और नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसे हम पलटी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर से कितना अच्छा कलर आ चुका है और नीचे से भी हम दूसरे तरफ से भी पका लेंगे। तो अब ढककर नहीं पकाएंगे इसे, इसी तरह से अलटते पलटते एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से हमें पकाना रहता है ताकि अच्छे से पक जाए, कहीं से कच्चा ना रहे। और आप देख सकते हैं एक नाश्ता हमारा जो है बनकर तैयार हो गया है, एकदम अच्छे तरीके से पक गया है और इसे हम एक प्लेट रख लेंगे। इसी तरह से दूसरा नाश्ता भी हम बना लेंगे और एक एक करके सारे नाश्ते को बनाना रहता है। तो इस तरह से एक और आप लोगों को मैं बना के दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से इस नाश्ते को बनाना रहता है। तो इस तरह से एक कलछी से हम डालेंगे और डाल के हल्के हाथ से फैला लेते हैं और ढककर छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देख ले रहे हैं और फिर इसे हम पलटी कर लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लेना रहता है। एकदम गोल्डन कलर आने तक इसे हमें पकाना रहता है। तो अलटते पलटते अच्छे तरीके से हम इसे पकाएंगे और इस तरह से स्पेशुला से दबाते हुए इसे हम चारों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से और कितने कम तेल में ये बनकर हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार होगा, एकदम हेल्दी तरीके से बनता है। तो दूसरा नाश्ता भी हमारा बन गया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा नाश्ता जो है पककर तैयार हुए हैं, एकदम हेल्दी तरीके से और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाले एकदम सॉफ्ट सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसे आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर बच्चों के टमाटर केचप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सर्विंग प्लेट में लगा लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में आपका नाश्ता जो है बनकर तैयार हो जाता है। साथ में हम टमाटर की चटनी बनाए हैं इसके साथ सर्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में पोहे सूजी का नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।